नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ब्रांडेड सीपीयू और असेंबल्ड सीपीयू दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे होते हैं, क्या देखने में फर्क होता है, अंदर उसके क्या क्या डिफरेंस होता है, प्राइस में भी कुछ डिफरेंस होता है या दोनों का लगभग सेम प्राइस होता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए जेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये है ब्रांडेड सीपीयू जो कि एचपी की तरफ से आता है और एचपी की तरफ से ये पूरा प्री लोडेड पहले से ही आता है और इसमें से आपको जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है आप चाहे तो इसके वर्जन के हिसाब से अलग भी ले सकते हैं। जैसे कि आप असेंबल्ड में जैसा आप चाहे वैसा आप इसको असेंबल करवा सकते हैं, तो वैसे ही आप इस जो भी इसके मॉडल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है उसमें आप देख करके उसके वर्जन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपको अलग अलग सीपीयू देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसमें i3 प्रोसेसर अगर लगा हुआ है तो आपको i5 प्रोसेसर वाला भी सीपीयू इसका मिल जाएगा, रैम वगैरह वाला ज्यादा भी मिल जाएगा। रैम अगर आप चाहे तो बाद में भी बढ़वा सकते हैं कंपनी से बोल करके या जैसे भी, बट आपको ये सब पहले से कंपनी द्वारा असेंबल्ड किए जाते हैं और ब्रांडेड होते हैं, पूरा सील पैक होता है ये सब। और ये जो है ये हमारे असेंबल्ड सिस्टम होते हैं जो कि आप मार्केट से कैबिनेट वगैरह ला करके और कैबिनेट ला करके फिर पूरा रेडी करते हैं, असेंबल करते हैं। तो आप बाहर से देख सकते हैं कि ये कैसा होता है, ये असेंबल्ड है पूरा डिब्बे टाइप का और इतना बड़ा सा होता है। हाँ, जाहिर सी बात है थोड़ा हल्का ज़रूर होता है ये और ये सब आसानी से इसको आप उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, बट ये पूरा बहुत बड़ा डिब्बा साइड का होता है, देखने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है। और वहीं हम बात करते हैं अगर इसकी, तो ये आपका देखिए कितना प्रीमियम लुक दे रहा है और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। देखने में ये मोटा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भारी है और ये बहुत ज़्यादा हल्का है, बट ये वाला जो पतला है इतना ज़्यादा भारी है। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के सभी सामान इसमें लगे हुए हैं, प्रीमियम क्वालिटी। इसमें आपको हम बैक साइड में दिखा देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं बैक साइड में जो इसका पोर्ट्स वगैरह है काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से पैक होता है और सारे पोर्ट्स वगैरह बढ़िया हाई क्वालिटी के इसमें दिए जाते हैं। तो ये कंपनी की बात ही थोड़ा अलग होती है, थोड़ा एक प्रीमियम लुक आ जाता है उसमें। और इसके अंदर हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे क्या होता है। उससे पहले आपको बता दें कि इनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं, तो इससे जैसे कि असेंबल्ड है, इस असेंबल्ड सीपीयू में आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है, चाहे तो आप परचेज करके डालते हैं चाहे आप उसको बिना परचेज किए हुए डाउनलोड करके आप डाल देते हैं, जो कि आपके ऊपर होता है आप ट्रायल में यूज करें या तो फिर बाद में परचेज कर सकते हैं। बट इसमें आपको पूरा का पूरा सिस्टम आपको ओरिजिनल मिलता है, इसमें ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वगैरह सब दिए जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ प्रोडक्ट की वगैरह भी लिखी होती है कि बाद में आप चाहे तो यूज कर सकें उसका। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपके असेंबल्ड सीपीयू में क्या क्या होता है, कितना बड़ा होता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं हम कि इस वाले में जो कि एचपी का ब्रांडेड है इसमें क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो ये है हमारा असेंबल्ड सीपीयू। इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है स्क्रू, उसको आप ओपन कर सकते हैं और ओपन कर दो स्क्रू इसमें दिए जाते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये इस कैबिनेट को ऐसे पकड़ के पीछे खींचना है और ये ओपन हो जाता है। अब ओपन हो जाने के बाद आप इसमें अंदर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो वैसे तो ये हमने अपने इसमें सिस्टम में दो हार्ड डिस्क लगा रखी है इसलिए यहाँ दो दिख रही हैं, वैसे तो एक ही लगती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, तो वो आपके काम के हिसाब से होता है। हमने इसमें दो हार्ड डिस्क लगा रखी हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी सामान बड़े बड़े लगे हुए हैं, SMPS बड़ा है काफ़ी ज़्यादा और इस मतलब एक बहुत ही जेनरिक तरह से लगा हुआ है बेढंगा, मतलब इसमें इधर दे दिया गया। यही चीज़ अगर इसमें लेटा अगर होता तो शायद इसका भी साइज़ थोड़ा कम किया जा सकता था, बट इसमें वो सब चीज़ें नहीं है। इसमें थोड़ा इजीली वे में यहाँ SMPS लग जाता है, यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क, यहाँ पर मदरबोर्ड वगैरह नीचे लग जाते हैं, तो काफ़ी आसानी से इसमें सब कुछ सेट हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता, नीचे मदरबोर्ड सेट हो गया अपना। तो इस तरह से इसमें सारे सामान वगैरह लगे होते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिब्बे टाइप का होता है। देखिए अंदर काफ़ी ज़्यादा खाली है और सामान बहुत कम लगा हुआ है, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर रैम फैन सब ऊपर ही होता है, SMPS यहाँ लग गया, बाकी का तो सब खाली जगह है। अगर थोड़ा इसको कस्टमाइज करके थोड़ा पतला कर देते तो थोड़ा इसका भी लुक अच्छा हो जाता, बट असेंबल्ड वालों में ऐसा आता नहीं, पता नहीं क्या वजह है। और अब हम आपको चल करके दिखा देते हैं ब्रांडेड वाला ओपन करके कि उसके अंदर का क्या होता है, कैसा होता है और देखने में कैसा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका ब्रांडेड वाला सीपीयू। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर पीछे कहीं कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो इसमें स्क्रू नहीं लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, आप इसको ओपन कर सकते थे यहाँ से। उसके बाद स्क्रू ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ये हुक टाइप का दिया हुआ है, जैसे कि आपके कार के दरवाजे के गेट वगैरह में होता है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। इसको ऐसे आपको ऊपर को उठाना है और उसके बाद आपका यहाँ पर जैसे ही उठाते हैं आपको ये गेट बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये, और इसमें यहाँ पर ये लॉक वगैरह दिया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है
लॉक वगैरह यहाँ से लॉक हो जाता है, तो ये सब थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का होता है क्योंकि ये कंपनी की तरफ से दिया जाता है तो पैसा भी वैसा ही लेते हैं ये सब। तो अब हम इसके अंदर आपको दिखा देते हैं कि क्या है कैसा है। और वैसे ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो इसको उठाने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सीडी राइटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये SMPS है और यहाँ पर आपको फ़ैन दिख जाता है प्रोसेसर का। यहाँ पर प्रोसेसर नीचे लगा हुआ है, इसका फ़ैन जो है बाहर से हवा लेता है, इधर इनबिल्ट करता है। इसमें वेंटिलेशन का इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है और इसमें मदरबोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। ये सब काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर सामान इसमें लगे हुए हैं और यहाँ पर SMPS ये लगा हुआ है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये बता दें हम कि ये सब सामान इसमें आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं, डिसअसेंबल कर सकते हैं। आपका SMPS इस तरह से है, इसको आप यहाँ रख करके ऊपर उठाएंगे तो ये निकल आएगा। और उसके बाद यहाँ सीड राइटर है तो यहाँ ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, इसको प्रेस करेंगे सीड राइटर पीछे खिसका के उठा सकते हैं आराम से। इसी के नीचे हार्ड डिस्क है, सेम प्रोसेस वही है, इसको प्रेस करेंगे हार्ड डिस्क भी आपकी निकल आएगी। ऐसे ही करके ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। चाहे तो आप ऊपर से स्क्रू भी लगा सकते हैं, बट असेंबल वाले में आपको क्या है हर चीज़ स्क्रू से ही टाइट करनी पड़ेगी। बिना स्क्रू से टाइट किए आपका काम नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि स्क्रू से अगर नहीं भी टाइट करेंगे आप, केवल लॉक कर देंगे तो भी बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कंपनी का आदमी आता है और सर्विस करके आपको जो भी मेंटेन करके वो खुद ही जाता है। और इसमें एक बात हम आपको बता दें कि ये जो HP का है, ये ब्रांडेड और CPU, इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। बाकी और भी कंपनियों के हैं जिसमें और भी ज़्यादा वारंटी मिलती है 5 ईयर्स की, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कौन सा ले रहे हैं, उस पर उसके हिसाब से वारंटी मिलती है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है। बट अगर आप असेंबल करवाते हैं कोई भी, तो अगर ज़्यादा महंगा वाला असेंबल करवाते हैं तो उसमें भी आपको एक साल से ऊपर की वारंटी मिल सकती है, नहीं तो ज़्यादातर जितने भी असेंबल हैं उन सब में आपको 1 साल की वारंटी ही मिलती है। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं, ये सेम प्रोसेस है केवल इसको यहाँ पर रख करके और इसको उठा करके लॉक कर देना है और ये आसानी से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्रांडेड होते हैं उनकी क्वालिटी ही अलग होती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो प्राइस इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप असेंबल करवाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो भी बेस्ट है, अगर आप ब्रांडेड खरीदते हैं वो भी बेस्ट है। अब यहाँ पर डिफरेंस आप कैसे कर पाएँ कि आपको कौन सा लेना है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कम नॉलेज है, अगर आप कंप्यूटर के एक एक पार्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, केवल यही जानते हैं कि हाँ हमें ये काम होता है और इससे हमें एक ऐसा अच्छा CPU चाहिए, बट CPU के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, उस वक्त आप आँख बंद करके ब्रांडेड कंपनी का CPU ले लीजिए। वहाँ पर रैम देखिए, प्रोसेसर देखिए और प्रोसेसर में कौन सा है, रैम कितना क्या है, आपको ये सब देखिए, हार्ड डिस्क वगैरह और मदरबोर्ड वगैरह, आपको वो सब कंपनी वाले ही आपको अच्छे से अच्छा दे देंगे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी है इन सब चीज़ों के बारे में तो आप यहाँ पर दोनों में कंपेयर करिए कि आपको बेस्ट डील आपको ब्रांडेड में मिल रही है या फिर असेंबल्ड में मिल रही है। अगर आपको असेंबल्ड में ब्रांडेड से अच्छी डील मिल रही है तो आप एक अलग अलग पार्ट खरीद सकते हैं और उसको असेंबल कर सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ इसी को लीजिए जो कि ब्रांडेड कंपनी के होते हैं, क्योंकि वो आपको बढ़िया से बढ़िया काम उस पर आप कर पाएंगे और अच्छा आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। पता चले कि आप असेंबल करवा लें, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ और हो जाए, उल्टी सीधी हो जाए, Core i5 आपने प्रोसेसर लगवा लिया, रैम 2GB लगवा लिया, 1GB, और उसके बाद उसमें आप 250GB हार्ड डिस्क लगवा लिए, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, आपका काम कुछ और था और कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो पैसा भी आपका चला जाएगा और काम भी उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर जानते हैं कि एक पार्ट के बारे में CPU के, तो आप बेसिक असेंबल कंप्यूटर करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है असेंबल के बारे में तो फिर आप उस वक्त आँख बंद करके आप ब्रांडेड कंप्यूटर ले सकते हैं। अब आपको हम ये भी बता दें कि ब्रांडेड कंप्यूटर में असेंबल कंप्यूटर के मुकाबले प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होती है। चाहे जो आप कंपेयर कर लेंगे, आपको असेंबल कंप्यूटर के मुकाबले ब्रांडेड कंप्यूटर में थोड़ा प्राइस डिफरेंस देखने को ही मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा कि प्राइस में आपको जितना पैसा इसमें आप देंगे, अगर आपको असेंबल कंप्यूटर की जानकारी है, आप असेंबल करवाना जानते हैं, तो उतने ही पैसे में आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का असेंबल्ड CPU करवा सकते हैं। बट अगर आपको जानकारी नहीं है तो पैसा आपका उतना ही जाएगा और आपको वही चीज़ कम मिलेगी। जैसे कि हम बता दें आपको कि अगर आपको देखें तो 25,000 में 30,000 में अगर आप एक असेंबल्ड कंप्यूटर करवा रहे हैं CPU, 25-30,000 का अगर आप एक CPU ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया CPU आपका असेंबल्ड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको CPU मिलेगा। उस पर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, सब कुछ आप उस पर कर सकते हैं। बट अगर आप 25-30,000 लेकर के केवल एक ब्रांडेड CPU लेते हैं तो ब्रांडेड CPU में आपको 4GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क और ज़्यादा आपको Core i5 प्रोसेसर और इसी के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप 25-30,000 में अगर आप चाहते हैं असेंबल करवाना तो आप Core i7 वगैरह में भी जा सकते हैं। जनरेशन का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कौन सा है प्रोसेसर, और उसके हिसाब से आप रैम भी आपको जैसे यहाँ 4GB मिलेगी तो वहाँ पर आप 8/16 जैसा भी आप लेना चाहें DDR4 के मुकाबले वैसा आप वहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आप
हार्ड डिस्क के साथ साथ आप SSD भी अपनी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के हिसाब से 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाएगी, बट आप अगर आप असेंबल करवाएं तो हाँ आपको 250 GB या 120 GB अपना SSD लगवा लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिससे कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल पाए, और स्टोरेज के लिए आप 1 TB हार्ड डिस्क लगवा लिए। तो इस तरह से आप अगर जानकारी है तो उस पर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।